हेलो 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 माइक चेक माइक चेक परफेक्ट हेलो एवरीवन मैं स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार डिफरेंशियल इक्वेशन के लेक्चर में कैसे आप लोग फटाफट कनेक्ट हो जाइए यस माय डियर एक लविया 4.0 बैच में पढ़ाई चालू है ओके एमएचटी सीटी 2024 की तैयारी हो रही है लेक्चर नंबर वन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन अरे भाई ए भाई जरा देख के चलो आगे ही नहीं पीछे भी ऊपर ही नहीं नीचे भी। चलो भाई आ जाओ फटाफट पड़। चलो काफी बच्चे आ चुके हैं अभी डिफरेंशियल uh, इक्वेशन ये चैप्टर की शुरुआत करेंगे okay, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे क्या है ये क्यों है ये तो बच्चों ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके अंदर आपको बता दूं कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग शिफ्ट में ओके okay, इसके थ्री टू फोर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तीन से चार क्वेश्चन ओके इसके जो टॉपिक्स है वो क्या क्या है इस चैप्टर के अंदर बच्चों सबसे पहला टॉपिक है ऑर्डर एंड डिग्री ये सबसे पहला टॉपिक होता है दूसरा होता है फॉर्म या तो ऑफ दोनों का मतलब एक ही होता है डिफरेंशियल इक्वेशन तीसरा टॉपिक होता है जनरल सॉल्यूशन जनरल सल्यूशन और इसी के अंदर एक टॉपिक और होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो इसी के जैसा होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बाद एक होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसके बाद होता है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन तो बच्चों इस तरह से इतने सारे टॉपिक्स आपको तैयार करने पड़ते हैं अगर आप ये चैप्टर तैयार करना चाहते हो तो, तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम ऑर्डर एंड डिग्री फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन और जनरल सॉल्यूशन जैसे टॉपिक्स जो है आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं ओके चलो आ गए क्या सब लोग ओके okay. क्या-क्या लिख रहे हो भाई तो अभी सबसे पहले हम लोग ये टॉपिक सीखेंगे कि भाई ऑर्डर एंड डिग्री क्या होती है तो इसको सीखेंगे और मैं क्वेश्चन भी लूंगा उसको कैसे किया जाता है देखते हैं भाई मेरे ऑर्डर एंड डिग्री ऑल माय डियर स्टूडेंट्स चैप्टर वाइज ईच एंड एवरी चैप्टर हम पढ़ाए जा रहे हैं और सीटी के लेक्चर्स को आगे बढ़ाए जा रहे हैं बच्चों

इस तरह से लेते हैं okay, ऐसे, ऐसे कुछ भी होगा जिसमें फर्स्ट डेरिवेटिव या तो सेकेंड डेरिवेटिव या तो थर्ड डेरिवेटिव होगा ऐसा कुछ भी होगा तो हम इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वेशन क्या होता है इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो मतलब होता है इक्वेशन इक्वेशन इक्वल मतलब होता है इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल मतलब क्या डेरीवेटिव डीवाई बाई डी एक्स या सेकेंड डेरिवेटिव या थर्ड डेरिवेटिव अब इसके अंदर हमें ऑर्डर एंड डिग्री निकालनी होती है ऑर्डर एंड डिग्री कैसे निकाला जाता है बच्चा एकदम ऑर्डर एंड डिग्री कैसे निकाला जाता है जैसे कि देखो यहाँ पर ये एक डेरिवेटिव है अगर हम बात करेंगे तो लेकिन ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है ये एक डेरिवेटिव है ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ये देखो ये डेरिवेटिव है ये पहला ऑर्डर डेरिवेटिव है समझ में आ रहा है दो चीजें होती है एक होता है ऑर्डर और एक होता है डिग्री सबसे पहले हम ऑर्डर को ढूंढते हैं उसके बाद डिग्री को ढूंढते कभी भी पहले डिग्री नहीं ढूंढना पहले ऑर्डर ढूंढना इसके अंदर ऑर्डर क्या होगा ऑर्डर ऑर्डर क्या होगा देखो जो सबसे बड़ा वही हमारा आंसर होगा जैसे कि ये डी वन ये वन है पहला ऑर्डर वो नहीं लेंगे उससे बड़ा कोई है हाँ दूसरा है वो लेंगे बट उससे भी बड़ा कोई है डी थ्री थर्ड ऑर्डर तो ये लेंगे ऑर्डर आ गया थ्री अब डिग्री क्या होगा आपने किसको पकड़ा इसको पकड़ा इनको भूल जा यस तो जो हाइएस्ट ऑर्डर है सबसे बड़ा ऑर्डर होगा उसको पकड़ेंगे अगर ये ना होता तो इसको पकड़ते सेकेंड ऑर्डर अगर ये दोनों ना होते तो फर्स्ट ऑर्डर पकड़ते जो अपने फैमिली का सबसे बड़ा होगा उसको आप पकड़ोगे ठीक है यहाँ पर हमने इसको पकड़ लिया अब इसका ऑर्डर क्या है थ्री अब डिग्री इसी की डिग्री देखना है इसको पकड़ा इसका इसका डिग्री मतलब ये ये, ये होता है ऑर्डर एंड डिग्री यहाँ पर कुछ बातें याद रखनी होती है आपको कि ये जो dy बाई डी है इसका पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए ये जो dy बाई डी होता है इसका पावर अपॉन में नहीं होना चाहिए ये जो dy वाई बाई डी है ये एंगल में नहीं आना चाहिए नहीं तो उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाती है ठीक है अभी देखते हैं कुछ है, क्वेश्चन देखते हैं ऑर्डर एंड डिग्री के ऑल डियर स्टूडेंट ऑर्डर एंड डिग्री के कुछ क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले हम देखेंगे टू थाउजेंड ट्वेंटी का ट्वेंटी थ्री का हर साल में एक क्वेश्चन आता है जो बच्चे तैयार करना चाहते हैं चैप्टर मेरे साथ बने रहो ओके बहुत मजा आएगा ओके सी यू टी एग्जाम देना कंपलसरी है क्या लीना पूछ रही है बेटा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती है ट्वेल्थ के बाद कुछ कोर्सेज होते हैं डिग्रीज होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज होती है सेंट्रल गवर्नमेंट वो ज्यादातर दिल्ली और यहाँ वहाँ होती है तो उन लोगों के लिए सी यू टी होती है महाराष्ट्र की जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज नहीं है स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं तो उसमें सी यू टी की जरूरत नहीं होती अगर आप महाराष्ट्र में ही पढ़ाई करना चाहते हो तो आपको की जरूरत नहीं है ठीक है <स्थाथ> ओके चलो या पर या बोल रहे हैं आपकी वजह से बहुत अच्छा गया था मैथ्स का सेक्शन टीटी में 2022 का थैंक यू वेलकम बेटा वो पुराने बच्चे भी आ रहे हैं लेक्चर में बहुत अच्छा लगता है जब आप आते हो 2022 का 2022 का एक क्वेश्चन था हर साल आता है तेईस में भी है इक्कीस में भी आपको दिखेगा मैं आपको बताता हूँ देखो यहाँ पर देखो ये दिखिएगा कि भाई वन माइनस डी वाई बाई डी होल स्क्वायर और ये पावर फाइव बाई थ्री है ध्यान से देखिएगा इसको लिखते लिखने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट आंसर निकलता है मैंने आपको बताया ये जो पावर है कभी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए अपॉन में नहीं होना चाहिए बटाई यहाँ तो है तो हम कुछ तो करेंगे अरे करो ना अरे क्या करें अरे, क्या करें? अरे कुछ तो करो क्यों करें अरे इसको हटाने के लिए किसको फाइव बाई थ्री अपॉन में ना नहीं होना चाहिए तो हम क्या करेंगे इसको हटाने के लिए दोनों साइड का क्यूब कर दें इसके पावर में थ्री कर दें और इसके भी पावर में थ्री कर देते हैं ऐसे करते ही ये थ्री और थ्री कट गया या तो क्यूब रूट उस तरफ गया क्यूब हो गया ऐसे समझो खत्म अब देखो यहाँ पर ये पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन है मुझे बोला है कि इसके ऑर्डर और डिग्री क्या होगी तो देखो सबसे पहले आप यहाँ पर दो जने हैं फैमिली मेम्बर दोनों को देखोगे दोनों में बाप कौन है यानी कि ये डी वाई बाई डी एक्स ये फर्स्ट है अगर ये बेटा है तो इसका ये सेकेंड ऑर्डर ये बाप हो गया ये बेटा ये बाप हो गया बेटे को भूल जाओ कभी बाप से बात करना बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात करो ठीक है अगर इसका भी बाप होता तो उससे बात करते बेटे को हाथ लगाने के पहले बाप से बात करो ठीक है बच्चो तुम्हें okay. <laughs> तो देखो यहां पर अब इसको भूल जाना है अब इसका फ्रैक्शन भी अट गया अब सॉल्व हो गया अब देखो इसका ऑर्डर है वो टू ऑर्डर टू एंड ये डिग्री डिग्री थ्री ऑर्डर टू डिग्री थ्री ऑर्डर टू एंड थ्री ऑप्शन ऑर्डर टू डिग्री थ्री ऑप्शन बी समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है नीट की क्या डेट है पंकज अरे पगले पांच तारीख है ना पांच मई है नीट की चल थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेलकम एवरी वन वेलकम एवरी वन ऑल माई डियर स्टूडेंट्स हो गया देखो इस तरीके से अभी आपको और अगर सीखना है और क्वेश्चन है ऑर्डर डिग्री का ऑर्डर डिग्री के और क्वेश्चन अच्छा इधर भी है एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन इधर है 2023 का एक 2021 का भी कर लेते 2021 का एक क्वेश्चन है देखो जरा क्वेश्चन है ट्वेंटी 2023 का क्वेश्चन है घुमा घुमा आता है वैसे तो आपको टेक्स्ट बुक के अंदर और सीटी में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं ठीक है लेकिन मैं थोड़ा सा ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चन ले रहा हूँ ऑर्डर डिग्री के देखो यहाँ पर क्वेश्चन है वाई पी, पी। पी है इज इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ अभी क्या ये जो पी है वो खुद डीवाई बाई डी एक्स है तो डी देखो ये पी पी यहाँ पर है डीवाई बाई पी की जगह वो रख दिया प्लस रूट ए स्क्वायर पी स्क्वायर पी भी वही है ठीक है देखते हैं ओके देखते हैं ये क्या हो गया देखो ये ये वाला टर्म इस तरफ आया तो माइनस डेरिवेटिव डेरिवेटिव का डेरिवेटिव सेकेंडेटिव डेरिवेटिव देर, सेकेंड आया इज दियार पी स्क्र माइनस बी स्क्वायर ये स्क्वायर रूट तो, है ये स्क्वायर रूट था स्क्वायर रूट इधर आया तो स्क्वायर ये तो पी था पी की वैल्यू रखो रखो पी की वैल्यू पी क्या था देखो डीवाई बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स

तो देखो ये फर्स्ट ऑर्डर है और ये सेकेंड ऑर्डर बड़ा कौन है ये हरी ऑर्डर ये बेटा है बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप तो से बात करो इसको हाथ मत लगाओ इससे बात करो अब देखो ये स्क्वायर करेंगे ए माइनस बी द होल स्क्वायर हो जाएगा तो सबसे बड़ा टर्म क्या आएगा इसका स्क्वायर एक्चुअल में ये आ जाएगा है ना सेकेंड टर्म ये होगा और इसका स्क्वायर आ जाएगा ये वाला इसमें तो ऑर्डर क्या आया टू और डिग्री क्या आया टू ऑर्डर क्या आया टू और डिग्री क्या आया टू एम ऑर्डर टू एन डिग्री टू यहां पर बोला एम प्लस एन एम प्लस एन क्या आएगा दोनों भी टू है टू प्लस टू फोर आ गया खत्म फोर कौन है यहाँ पर क्या बोलती पब्लिक समझ में आ रहा है तो ये कहां का है टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में ऐसा पूछा गया था जिसके अंदर पी की वैल्यू दी थी और उसके अंदर ही ऐसे था एडजस्टमेंट करना देखो जरा अलग अलग है अभी आज जो मैंने लिया है इसके पहले एक क्वेश्चन था ओ, 2022 का भी है और एक है और एक क्वेश्चन है अभी मैंने 2022 का भी लिया 2021 का भी लिया 2023 का भी आ रहा है बट एक 22 का और है वो भी देख लेते देखो तो ये क्वेश्चन है इस तरह से दिख रहा है 1 dy by dx और पार में क्या है 1 3 ये क्या है d2y dx2 पार में क्या है स्क्वायर रूट मतलब 1 2 अब ये किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो ध्यान से देखना ये 2022 का क्वेश्चन है बच्चों ऑर्डर एंड डिग्री एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि दोनों का फ्रैक्शन हट जाए दोनों साइड में जो अपॉन में अपॉन में नहीं आना चाहिए तो देखो ये थ्री और टू है थ्री टू झा सिक्स दोनों में सिक्स से मल्टीप्लाई करो सिक्स थ्री टू झा सिक्स टू थ्री झा सिक्स अब दोनों साइड में फ्रैक्शन हट गया एक्चुअल में इसका जो पावर क्या बचा ओनली टू टू इंटू वन टू इसका फ्रैक्शन क्या बचा थ्री इंटू वन थ्री देखो ये है बेटा और ये है बाप बाप को पकड़ेंगे बेटे को नहीं पकड़ेंगे अब इसका ऑर्डर ऑर्डर क्या है two. Two. डिग्री कैसे आएगी बेटा डिग्री जो है यहाँ पर ऊपर क्या था वन इंटू थ्री थ्री क्या पूछा था देखो यहाँ पर ऑर्डर एंड डिग्री पहले ऑर्डर ऑर्डर टू ऑर्डर टू पहले कहां पर है ये डिग्री थ्री आई समझ में यस बच्चों आया समझ में यस ठीक है वैष्णवी कह लीते थैंक्स फॉर एवरीथिंग यू हैव एव डन फॉर अस ओके वेलकम बेटा चलो ये हो गया अभी एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों ट्वेंटी थ्री का देखो एक क्वेश्चन आता है ऐसे और दो मार्क्स जाता है टू मार्क्स देके जाता है देखो यहां पर है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू सी टू सी का अंदर मल्टीप्लाई किया टू सी एक्स C का अंदर root C में क्या C root C. क्या है है क्वेश्चन 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 देखेंगे ये इक्वेशन था question पढ़ना चाहिए पहले हमेशा बेटा डिग्री ऑर्डर डिग्री म्हणजे आपल्याला ऑर्डर डिग्री का हमें क्या निकालना है बेटा ऑर्डर एंड डिग्री निकालना है तो कैसे करेंगे यार देखो एक तो आपको पता है कि कभी भी किसी भी इक्वेशन में जितने कांस्टेंट होते हैं जैसे कि एक सी सी ए कांस्टेंट है अब वो अलग-अलग जगह पे है बट कितने कांस्टेंट है ओनली वन है एक कांस्टेंट होंगे तो उसको एक ही बार डेरिवेटिव लेते हैं इसका मतलब इसके अंदर जो भी आंसर आएगा dy/dx आएगा सेकंड ऑर्डर आएगा क्या नहीं हम लोग इसका एक ही बार डिग्री एक ही बार डेरिवेटिव लेने वाले हैं ठीक है तो एक ही बार डेरिवेटिव लेंगे मतलब वाई एक्स। तो इसका हमेशा वन दोनों में ऑर्डर वन है हमें तो डिग्री चेक करनी पड़ेगी डिग्री कितना आएगा डिग्री मतलब इसका पावर थ्री आ रहा है कि फोर आ रहा है वो देखना है थ्री है कि फोर है वो देखना है तो कैसे करते हैं चलो करते इसको सॉल्व डेरीवेटिव लेते हैं देखो वाई स्क्वायर का टू वाई और वाई का अगेन डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स टू सी एक्स का टू सी और ये पूरा कांस्टेंट उसमें एक्स नहीं तो जीरो टू से टू कट गया तो सी की वैल्यू क्या आ गई देखो वाई dy बाई डी एक्स अब ये सी की वैल्यू आई ना इसको उठा के ये इक्वेशन वन में रखना है तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए तो बोलते हैं फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन 2023 का क्वेश्चन है बच्चों 2023 थोड़ा सा जानबूझ के ऐसे दिया था कि आपको इक्वेशन बनाना पड़े ऐसे दिया था और बाद में ऑर्डर एंड डिग्री पूछा है डिफरेंशियल इक्वेशन वाला क्वेश्चन है, ओके okay? तो कैसे करेंगे ये वाला टू इक्वेशन वन में रखा तो ये वाला यहाँ रखा था देखो वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर रखा टू एक्स सी की जगह पे क्या रखेंगे ये वाई डीवाई बाई डी एक्स प्लस टू सी रूट सी देखो अब ये सी रूट सी है

वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई डीवाई बाई डी एक्स ये वाला टर्म यहाँ लिए जो टू है उसको भी यहाँ पर लेते हैं अपॉन टू अब ये क्या हो गया देखो वाई डीवाई बाई डी एक्स अब इसका पावर थ्री बाई टू है देखो जो फ्रैक्शन में है जिसके पावर को आप सॉल्व करना चाहते हैं तो अकेला कर दो उसके बाद क्या करो जो पीछे हमने किया था क्या किया था यहाँ पर थ्री अपॉन टू है ना तो अपॉन टू है टू से मल्टीप्लाई पावर में करो और यहां पर टू से मल्टीप्लाई करो पावर में यहाँ तो पावर में कुछ था नहीं तो समझो वन था तो उसमें टू से मल्टीप्लाई किया जाएगा टू और टू कट गया अब फ्रैक्शन हट गया देखो यहाँ भी फ्रैक्शन नहीं है तो यहाँ तो कुछ भलता बन गया बनने दो टेंशन मत लो देखो मेन डीवाई बाई डी एक्स यहाँ दिख रहा है फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डर वन तो पहले ही हमने देख लिया था बट उसके डीवाई बाई डी एक्स के पावर में क्या है टू है थ्री है फोर है वो देखना है तो यहाँ डीवाई बाई डी एक्स के पावर में टू आ जाएगा अरे ये भी है उसके पावर में वन इंटू टू आ रहा है और ये भी dx बाई इसके पावर में थ्री आ जाएगा तो क्या आ रहा है यहाँ से हमने देखा ये मतलब जो डिग्री है वो थ्री आ रही है तो डी ऑप्शन सही है, वन डिग्री है।, ये भी तो है टू टू तो लेना कि थ्री लेना यहाँ पर डीवाई है यहाँ पर पावर में थ्री है तो जो बड़ा है उसको लेते हैं डीवाई बाई में जो डिग्री बड़ा कौन सा है टू बढ़ा की थ्री थ्री बड़े से बड़ी डिग्री को लेते हैं समझे बच्चों ठीक है? तो ये 2023 का क्वेश्चन था अभी आपको एक बताता हूं अभी आपने तीनों टाइप के क्वेश्चन देखे चलो एक कंपैरिजन बता दो आपको समझ में आएगा देखो एक कंपैरिजन बताता हूँ ये 2021 का क्वेश्चन थोड़ा सा था की भाई पी को डी वाई भाई कर दिया इजी क्वेश्चन था 2022 का क्वेश्चन वाह कितना सिंपल था सेम Upon है upon है दोनों में सिक्स का मल्टीप्लाई किया तो हो जाता है सिंपल ये टू थाउजेंड टू का क्वेश्चन है ये भी कितना सिंपल था फाइव अपॉन थ्री है दोनों साइड में थ्री का मल्टीप्लाई किया हो जाता है दो हजार इक्कीस बाईस के नॉर्मल क्वेश्चन थे लेकिन जब दो हजार तेईस की बारी आई क्वेश्चन कैसा था ऑर्डर एंड डिग्री और क्वेश्चन कैसा था देखो इसने ऑर्डर एंड डिग्री पूछते समय भी डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑप्टेंड करो ऐसा कंडीशन डाल दिया बिना होगा नहीं टाइम हो कंज्यूमिंग हो गया यहाँ पर तो 2023 के क्वेश्चन जब आप करने बैठोगे तब आपको पता चलेगा कि आप सच में सीटी की तैयारी कर रहे हो हम्म okay. <laughs> ठीक है अभी हम लोग कुछ नया करते हम्म अभी हम कुछ नया करते हमारे पास कुछ है, आ, yes. अभी जो हमने ये किया था ना 2023 के क्वेश्चन तो आया था अभी हमारा कैसे बनाए जाते हैं हाउ टू ऑप्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही आपको बोला कि equation, यहां पर अभी हम देखेंगे ऑर्डर एंड डिग्री हमने देख लिया कि क्या होता है ऑल माय डियर स्टूडेंट्स हमने क्या देखा ऑर्डर एंड डिग्री हमने देख लिया अब हम लोग देखेंगे कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे ऑप्टेन या तो फॉर्म किए जाते हैं कैसे बनाए जाते हैं उसके बाद हम सॉल्यूशन भी देखेंगे चलो आ जाओ सब लोग फटाफट देखते हैं ऑल माई डियर्स यस यहाँ पर है ये वाला ठीक है थोड़ा सा कमेंट भी पढ़ा जाए आपके फॉर्मूला बुक ऑर्डर किए बेटा छह सात दिन लगते हैं ऑर्डर करने के बाद बहुत डिफिकल्ट होता है क्या 2023 के बहुत सारे क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है बेटा दाइश्ता तड़वी ओके उम्मीद लिखता है टाइम आउट क्यों दिया बेटा तुम सी एस एम यू ई टी के बारे में बार बार पूछ रहे हो और पचास बार तुम कमेंट कर चुके हो अभी इसलिए तुमको टाइम आउट दिया होगा तुमको ये सब कुछ भी पूछना है ना बेटा ये क्या होता है वो क्या होता है तो ऐसे लाइव लेक्चर में नहीं पूछना चाहिए लाइव लेक्चर में मैं आपके जो क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट ही लेता हूँ बाकी तुम यहाँ वहाँ का कुछ भी पूछोगे सी यू ई टी क्या है ये क्या है सीएम यूटी क्या है सब नहीं पूछना चाहिए टाइम वेस्ट होता है तो आप क्या करो आपको मैंने हेल्पलाइन नंबर दिया है उस पर आप कॉन्टेक्ट करो वहाँ पर आप मैसेज करो या बात करो आपको बताया जाएगा आपको अभी हम चैट में हेल्पलाइन नंबर डाल देते हैं आपको कुछ भी यहाँ वहाँ की बातें पूछनी है ना कि सर इस कॉलेज का उस कॉलेज का ये डिग्री का वो डिग्री का ये एंट्रेंस वो एंट्रेंस फलाना डमकाना अपने प्यार मोहब्बत की बातें छोड़ के कुछ भी जो एजुकेशन से रिलेटेड आप पूछ सकते हो देखो कॉन्टैक्ट नंबर आ गया चैट में हाँ वहाँ करो ना चैट में आप है ना यहाँ का आंसर दो ये जो बता रहे हैं उसका डाउट पूछो नहीं तो आपको टाइम आउट कर दिया जाएगा प्यार से ठीक है आपके लिए हमने इतनी फैसिलिटी दी है ओके आप क्वेश्चन ले रहे हो ऐसे ही आएंगे क्या सिद्ध बोलते हैं हाँ ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं या तो ऑर्डर डिग्री वाला एक आएगा आया हुआ है अभी फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा या तो सोल्यूशन आएगा ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बदल बदल के आएंगे आपको तरीका सीखना है आज ऑर्डर के बुक सात सात दिवस तुम्हारा ये जी सर्व प्रश्न है ना आता हमें नंबर पाठला है हेल्पलाइन या नंबर वचारा ठीक है है। ये करते हैं अभी क्वेश्चन क्या है वाला क्वेश्चन था ये भी वैसे ही था बट तो इसमें ऑर्डर एंड डिग्री 2023 में पूछा था और सिमिलर क्वेश्चन 2022 में बोला में बोला इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा इसको हमने कैसे किया था ये वाला उसका डेरिवेटिव लिया और जो मेरा आंसर आया उससे मैंने ऑर्डर डिग्री निकाला इसको भी वैसे ही करना है कितने कॉन्स्टेंट है आर्बिट्री कॉन्स्टेंट सी दोनों जगह सी है वो एक ही है दो जगह पे है बट वो है अकेला सी कभी कभी ए होता है एक ही जगह पे तो हम एक बार डेरीवेटी लेते हैं कभी कभी ए एंड बी दो कॉन्स्टेंट होते हैं तो हम दो बार डेरीवेटिव लेते हैं जितनेर्बिटरी कांस्टेंट होंगे उतनी बार डेरिवेटिव लेंगे ओके okay, जितनी जितने कांस्टेंट होंगे उतनी बार हम डेरिवेटिव दो कांस्टेंट है दो बार डेरीवेटिव ए बी एंड सी तीन कांस्टेंट है तो आप तीन बार डेरिवेटिव ले सकते हो आपके पास जैसे अगर आप कोई गेम खेल रहे हो आपकी बंदूक में गोली है दुश्मन को मारना है अगर आपके पास एक ही कॉन्स्टेंट है मतलब एक ही गोली है आप किसी को सिर्फ एक ही बार में एक ही गोली मार सकते हो आपके पास दो कॉन्स्टेंट है आप दो गोली मार सकते हो आपके पास तीन कॉन्स्टेंट है आप तीन गोली मार सकते हो गोली मारना मतलब डेरिवेटिव लेना अगर तीन कॉन्स्टेंट है मतलब आप तीन बार डेरिवेटिव ले सकते हो अगर एक ही कॉन्स्टेंट है आप एक ही बार डेरिवेटिव ले सकते हो यू हैव ओनली वन हैांस यहाँ पर कितने कॉन्स्टेंट है सी सी दो जगह पे है बट है तो सी एक ही ना अभी तुम समझो घर पे भी हो और तुम कॉलेज में भी हो अब तुम ही दोनों जगह हो हो तो एक ही इंसान ना अब दो जगह है तो वैसे ये सी दो जगह पे है

ये माइनस वन है माइनस यहां पर आया तो यहां हो गया लाइक like दिस अब ये इक्वेशन टू देखो पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही किया था अब देखोगे ऐसे में दो बार सी था तो एक ही बार समझा उसका डेरिवेटिव लिया फिर हमें सी मिल गया जो सी की वैल्यू थी इक्वेशन टू उसको उठा के वन में डाल दिया यही तरीका है है ना हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है उसमें से सी गायब करना है एक्चुअल में जो आंसर आएगा उसमें सी नहीं होना चाहिए दैट इज द कंसेप्ट सी नहीं होना चाहिए सी को ओके okay. लिख रहा है बच्चा मैंने ऑनलाइन किया था बट वो अब तक नहीं आई अरे बेटा हेल्पलाइन पे मैसेज करता ब्रेज बेटा आपको कुछ भी ऐसा तकलीफ है हेल्पलाइन हेल्पलाइन पे मैसेज करो नंबर अभी दिया है जो भी चीजें आपको पूछनी है हेल्पलाइन पे मैसेज करो वहां पर सब चीजें बताई जाएगी अब देखो ये जो इक्वेशन टू है वन में रखो वाई सी स्क्वायर सी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी

लेक्चर से रिलेटेड बात करते हैं, ओके? अभी मैच करो पर है? है है। और ये नहीं है, दोनों निकल गए फिर अब ये दोनों कट गए ये oh देखो ये मिल गया ये भी कट गया फिर ये वाई वहां गया तो माइनस वाई यस इक्वल ऑप्शन आया समझ में कैसे करते हैं? ठीक आठ वाज लेक्चर लेक्चर आएगा हो मीनाक्षी आठ वाजता लेक्चर आए क्रैश कोर्स का क्रैश कोर्स का जो भी बच्चे हमारे क्रैश कोर्स में हैं उनको पता होना चाहिए कि चार बजे से साढ़े पांच बजे तक क्रैश कोर्स का लेक्चर हो रहा है आज मैंने एप्लीकेशन ऑफ़ डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट किया है ओके okay, और अभी आठ बजे से साढ़े नौ बजे तक लेक्चर होने वाला है ओके सर आज लेने वाले हैं डेली तीन घंटे यस yes, माई डियर एक में वैसा ऐसा बैच होगा जिसमें डेली तीन घंटे मैथ्स चल रहा है ऐसे फिजिक्स और केमिस्ट्री भी ढाई तीन घंटे डेली चल रहा है और वो भी लाइव दीज आर लाइव लेक्चर्स ये क्रैश कोर्स है जो भी हमारा क्रैश कोर्स है उसमें लाइव लेक्चर हो रहे हैं डेली तीन घंटे के एक लेक्चर मैं लेता हूँ एक लेक्चर सर लेते हैं मैंने दोपहर का लेक्चर लिया सर शाम का लेंगे ओके तो बहुत जबरदस्त है ऐसा कहीं नहीं मिलेगा चलो आगे करते हैं माई डियर स्टूडेंट अच्छा एक लड़का लिख रहा था ब्रह्मास्त्र बुक तो ब्रह्मास्त्र बुक बेटा अभी भी ऑर्डर कर सकते हो आ रही है डब्ल्यू 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 डॉट एक लव्य पब्लिकेशन डॉट कॉम ये वेबसाइट है

इसकी भी प्रैक्टिस करना है मैं और कुछ क्वेश्चन लूंगा मैं इसके अभी मैं आपको जनरल सोल्यूशन एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन भी साथ साथ में बताता हूँ चलो आ जाओ फटाफट -पड़। यस अभी मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ किस तरह से सॉल्यूशन होते हैं एकदम ध्यान से देखना है जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर तो ये एक क्वेश्चन देखो 2022 के क्वेश्चन है आपको सब मिला जुला के ले रहा हूँ सारे टॉपिक कवर करने हैं हर टॉपिक को लेना है यहाँ पर 2022 का एक क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ बेटा 2x dy डी वाई बाई y एक्स माइनस वाई इजक्ल टू वाई उस तरफ गया तो y प्लस हो गया इस तरह से रिप्रेजेंट अ फैमिली ऑफ सर्कल पैराबोला स्ट्रेट लाइन हाइपरबोला यानी ये क्या रिप्रेजेंट करता है देखो तो यहां पर मैं बता दूँ आपको कि स्ट्रेट लाइन स्ट्रीट लाइन क्या होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी हमेशा याद रखना बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पैराबोला क्या होता है पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स या तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर बी वाई सर्कल क्या होता है सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल एलिप्स क्या होता है एलिप्स एलिप्स होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई बोला क्या होता है देखो ये कुछ शेप रखने चाहिए इक्वेशन अगर ये याद रहेगा ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आप हमेशा बता दोगे कि जो क्वेश्चन है उसका क्या आंसर होगा ओके okay. ओके okay, एकदम यस yes. तो कैसे करेंगे देखो ये क्वेश्चन था टू एक्स डी बाई डी एक्स मुझे पता करना पड़ेगा कि ये जो इक्वेशन है एक्चुअल में वो किस टाइप का है इसमें से कौन सा है तो अगर इसमें से मुझे पता चल गया तो मैं आंसर दे दूंगा बट यहाँ तो डेरिवेटिव है इस डेरिवेटिव को हटाना पड़ेगा एक्चुअल में ये जो है ना डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चों को तो मुझे सोल्यूशन निकालना है सोल्यूशन कैसे निकाला जाता है वो देखो ओके okay. सोल्यूशन कैसे निकाला जाता है ये डीवाई है डी वाई okay. ये जो नीचे वाला डी एक्स है इसको यहाँ भेज दो भेज दिया अब देखो डीवाई और डी एक्स को अलग कर दिया अब जो भी x वाले टर्म्स होंगे सब dx के साथ रखेंगे जो भी y वाले टर्म्स होंगे वो dy के पास रखेंगे जैसे ये y प्लस वन यहाँ वो इस तरफ आएगा dy के पास y प्लस वन यहाँ है तो वन अपॉन वाई प्लस अब देखो ये टू एक्स है वो यहाँ पर आ गया तो वन अपॉन टू एक्स फिर आप दोनों साइड का इंटीग्रेशन करते हो ये हो गया सेपरेट करना आधे उधर जाओ आधे इधर आओ लड़कियां उधर जाओ बॉइस इधर आओ बस ये तरीका फॉलो करना है कितनी गर्ल्स हैं एक तरफ जितने बॉयज हैं एक तरफ स्कूल की याद आ रही है क्या कितने हर मान 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 जगे तेरे वास्ते सोनी ओके तो बच्चों क्या करना है जितने भी y टर्म्स है y dy के साथ सारे y वाले और जो dx है उसके साथ सारे x वाले बॉयज हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल होता है ना वैसे

चला वन अपॉन वाई प्लस वन बगन एक्स इंटीग्रेशन लॉग एक्स वन अपन वाई प्लस वन चीग्रेशन लॉग प्लस घर नहीं वन अपॉइंट टू एक्स तो वन अंट टू बाहर वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन लॉग एक्स और प्लस यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लेंगे लॉग टी e. ठीक है इस तरह से आ गया तो हम सी को सी वन भी ले सकते हैं देखते हैं कैसे होता है देखते हैं कैसे होता है अब ये पावर में गया लॉग एक्स के पावर में वन अपॉइंट टू ये जो लॉग है ये खींच के इसको चढ़ा देगा एक्स के पावर में वन बाई टू मतलब ये और प्लस लॉग सी वन या सी जो भी है कॉन्स्टेंट समझो हाँ जो C, बाद में बदल देंगे यहां पर दोनों का लॉग लिया कॉमन ये हो गया रूट एक्स इंटू सी दोनों का लॉग कॉमन लिया इंटू हो गया ये लॉग वाई प्लस कैंसल ये क्या आ गया वाई प्लस वन इज इक्वल टू रूट एक्स इंटू सी ठीक है अब क्या करेंगे देखो यहाँ पर ये रूट एक्स है न, हमको ना हमको रूट को हटाना पड़ेगा उनको रूट को हटाना पड़ेगा तो कैसे हटाएंगे रूट को तो और वैल्यूज तो नहीं दी ना, नहीं ना बोथ साइड ये क्या हो गया y द होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर किया तो क्या होगा रूट का स्क्वायर रूट हट गया और ये सी स्क्वायर अब ये कौन से फॉर्मेट से मैच हो रहा है आपको देखो एक तरीका देखना अब इसको मैच करके शेप बताना है आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर x और y दोनों का स्क्वायर होता है तो सर्कल होता है है क्या देखो ये एक्स का स्क्वायर नहीं है ये रूट एक्स था तो स्क्वाइड किया गया और का रूट एक्स का स्क्वायर हो गया रूट हट गया ये वाई का स्क्वायर है देखो y वाई प्लस वन स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर बट एक्स स्क्वायर नहीं है देखो ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर होगा तो हो सर्कल होगा सर्कल बिल्कुल नहीं है एलिप्स क्या होता है एलिप्स एक्स और वाई दोनों का स्क्वायर होना चाहिए ये एक्स का स्क्वायर नहीं है वाई का स्क्वायर है मतलब ये एलिप्स भी नहीं है हाइपरबोला में भी एक्स और वाई दोनों का स्क्वायर और माइनस होना चाहिए बिल्कुल नहीं है स्ट्रेट लाइन क्या होती है स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन होता है जिसमें एक्स और वाई किसी का भी स्क्वायर नहीं होता एक्स और वाई का स्क्वायर नहीं होता स्ट्रेट लाइन भी नहीं है पैराबोला में क्या होता है पैराबोला ऐसे होता है कि जिसमें या तो वाई का स्क्वायर होगा तो एक्स का स्क्वायर नहीं होगा एक्स का स्क्वायर होगा तो वाई का स्क्वायर नहीं होगा अब यहाँ पर देखोगे वाई प्लस वन द होल स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर है

और ये याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन बदल बदल के पूछता है अगर आपका question, अगर आपका आपका क्वेश्चन, आंसर ये आता है बच्चों, है? आप बता पाते हैं नहीं 2025 की बैच अजय बेटा जून में चालू होगा ओके okay, ये 2024 की बैच होने के बाद थोड़ा गांव वगैरह घूम के आऊंगा वैकेशन लेके डेली लेक्चर ले लेके एकदम परेशान हो गए ओके okay. रोज लेक्चर रो, रोज रोज लेक्चर यस yes, तो यहाँ आदित्य अरुण ने बताया अरुणा और आदित्य ने बताया रचित मार्वल रियाज ने बताया चलो बहुत सारे बच्चे अब बता रहे हैं पट 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 यस सर्कल वेरी गुड सर्कल बता रहे हैं। अगर समझो कि मैं आपको पूछूं कि भाई थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर इक्वल टू ट्वेंटी वन है अब बताओ ये कौन सा शेप है।, है ये भी सर्कल है सर्कल में कंडीशन होती है कि ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए ये भी सर्कल है ये भी सर्कल है दोनों सेम होना चाहिए यहाँ वन है तो यहाँ भी वन यहाँ टू तो टू अभी मैं शेप पूछता हूं बताना टू एक्स स्क्वाई स्कोर इज इक्वल टू ट्वेंटी जरा देख के चलो आंसर ही देखो आंसर ही बोलो देखो ये बिल्कुल वैसे ही है एक्स और वाई दोनों का स्क्वायर है बट अब ये सर्कल नहीं होगा ये सर्कल नहीं होगा यहाँ पर x और y दोनों का स्क्वायर बीच में प्लस है ये अलग अलग है तो आप मैच करोगे स्ट्रेट लाइन बोल रहा है कौन है वो अरुण घोरड़ अरे दादा स्ट्रेट लाइन में ये स्क्वायर नहीं आना चाहिए x और y का कंसेप्ट भी फुल मैथ भी बोल रहा है अरे पगले पैरा बोला बोल रहा है एक लड़का पैरा बोला में x या तो y किसी एक का ही स्क्वायर आता है देखो अगर ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो दोनों के क्वेश्चन सेम होंगे तो ही सर्कल होता है अगर दोनों के क्वेप्शन सेम नहीं है तो वो सर्कल नहीं होता तो क्या होता है देखो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है दोनों के नीचे देखो अलग अलग है ऊपर या नीचे साथ में कुछ बीच में प्लस है तो एलिप्स अगर माइनस होता तो वो हाइपर बोला होता तो ये क्या हो गया बच्चों ये जो मैंने पूछा ये क्या हो गया ये एलिप्स हो गया प्लस है ना अंडा हो गया अंडा।, अंडा अंडा एलिप्स एलिप्स अंडा हो गया अगर ये भी टू है तो ये भी टू होता ना तो ये परफेक्ट सर्कल होता बट ये अलग अलग होने की वजह से ये अंडा हो गया अंडा बोले तो एलिप्स हो गया ठीक है समझ में आ रहा है अगर यहां माइनस होता तो हाइपर बोला होता तो होप सो आपको समझ में आया? अभी कुछ और क्वेश्चन है जो हम देखेंगे इस तरह से ठीक है सोल्यूशन वाले क्वेश्चन देखते हैं अभी दो का एक और क्वेश्चन है हर साल पे पूछा गया तेईस में बाईस में इक्कीस में, में सब लेने वाले भाई पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ देखो अब ये पर्टिकुलर है एक मिनट ये पर्टिकुलर सोल्यूशन है एक बार जनरल सोल्यूशन देख लेते फिर पर्टिकुलर देखते देखो यहाँ पर जनरल सोल्यूशन है dx, मतलब को हटाना है देखो ये वन माइनस एक्स है बच्चों अब यहाँ पर है ना हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा सिंपल करने के लिए इन दोनों में से वाई कॉमन लेते हैं वन माइनस एक्स हो गए दोनों में से वाई कॉमन ले तो ये वन माइनस एक्स है बच्चा ये दोनों का वन माइनस एक्स कॉमन लिया यहाँ कुछ नहीं तो वन और वन प्लस वन वाई बच गया वन माइनस एक्स वन माइनस एक्स कॉमन वन प्लस वाई आ गया और ये डेरिवेटिव है अब देखो वही सिस्टम लड़कियां उधर जाओ लड़के उधर जाओ बॉयज हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल ओके स्लो मोड स्लो मोड थोड़ी देर के लिए बंद कर दो जरा बच्चे बहुत परेशान है स्लो मोड को लेकर ओके तो देखो यहाँ पर डीवाई है ऊपर कौन है डीवाई वो यही रखो जो ऊपर होता है ना डी एक्स में से वही रखने का जो नीचे है ना उसको दूसरी तरफ लेके जाओ एक्स को वहां लेके जाओ ले गए अब देखो यहाँ पर गर्ल्स इन दोनों में गर्ल्स कौन है एक्स कौन है एक्स वाले वन माइनस एक्स यही रखा okay. और यहां पर देखो वन प्लस वाई बॉय तुम इधर आओ वन अपॉन वन प्लस गर्ल्स उधार आ गए इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रे ग्रे ग्रे ग्रेशन ओके आता वन अपॉन वन प्लस वाई मे वाय प्लस वन वन अपॉन एक्सच इंटीग्रेशन लॉग एक्स तसच हाच इंटीग्रेशन लॉग ए वन प्लस वाई हाच डेरिवेटिव घेवन डिवाइड कराएस वन प्लस वाई चे डिवेटिव वन आलवाइड किया वन ने का फरक पड़ता वन च इंटीग्रेशन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स है बगा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स असेल मग एक्स घ्यायचं विथ रेस्पेक्ट टू वाय असेल म्हणजे वाई घ्यायचं इंटिग्रेशन एक्स मायनस एक्स इज अपॉन टू आता इथे कॉन्स्टंट प्लस सी येणार काय केलं आता दोन हजार बावीस ला विचारला हा प्रश्न होता या प्रश्न मध्ये आपल्याला सांगितलंय जनरल सोल्युशन काढा आणि फक्त आपण जे इक्वेशन होतो तिथे त्याला फॅक्टराईज करून त्याचे फॅक्टर इकडे तिकडे केले सेपरेशन केला इंटिग्रेशन घेतला के के की आपल्याला उत्तर येत आहे आता तुम्हें लॉग वन प्लस वाई लॉग वन माइनस एक्स है तो गेला तिगे आहे, आहे, बता है बस वाई वाई है बी सी पैकी कुछ एक मैनस एक्सक्वायर छेद दोन है माइनस एक्सक्वायर छेद बी मध्य है सी मधे अधिक है चुकल अशा प्रकार अपन एन्सर मैच के खूब सोपा बहु सॉल्यूशन का ना अवगढ़ खूब सोप तुम्हारा फिर पद्धत आया पाजे आपको सिर्फ मेथड आना चाहिए अगर आपने मेथड सीख लिया तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता आंसर परफेक्ट लाने से ठीक है ओके चलो रोहित को स्क्रीन प्रॉब्लम है बेटा लेक्चर बंद करके वापस लेक्चर चालू कर मोबाइल बंद करके चालू कर ओके समझ में आया क्या चला आता पुढे अजून प्रश्न आहेत बघा आता जे टॉपिक्स होते त्यामध्ये मी सांगितलं तुम्हाला एक प्रकार असतो जनरल सोल्युशन ते आम्ही आता बघितलं त्यामध्ये जे काय अँसर येणार ते प्लस सी च्या फॉर्म मध्ये येणार जसं की इथे बघा मध्ये जर प्लस सी येत असेल म्हणजे तो आपल्याकडे जनरल सोल्युशन आहे त्याच एक भाग म्हणून आपण पर्टिक्युलर सोल्युशन काढतो प्रश्न विचारलं असेल की पर्टिक्युलर सोल्युशन फाईन करा मग तिथे काय करायचं असेल पर्टिक्यूलर पर्टिक्यूलर सोल्यूशन सा एक्स वाई ची दिले थे। ती कि सी ची वैल्यू का सी ऐसी मतलब सोल्यूशन क्या चाहते हो सर भैया जी सही से बताइए यार कुछ समझ समझम नहीं आ रहा है आप क्या बता रहे अरे भाई साहब अभी बताएंगे भाई साहब यहां पर देखेंगे ओके मिनाटो बेटा हेल्पलाइन पे मैसेज करके ब्रह्मास्त्र बुक से बात कर ले यार ब्रह्मास्त्र तो, बुक के बारे में है ना देखो तो पर्टिकुलर सोल्यूशन पूछा है भाई साहब और यहाँ पर बोला है डी वाई बाई डी एक्स तो नीचे कौन है डी एक्स को भगा दो उस तरफ और उस तरफ ई रेस्ट और कॉस एक्स है तो डीएक्स है एक्स वाला कौन है कॉस एक्स यहीं रखो ई रेस्ट टू टू वाई इन टू है इसको इस तरफ लाओ ई रेस्ट टू टू वाई ई वाई यहाँ इक्वल की इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा सीधा दोनों साइड का इंटीग्रेशन ले लो भैया जी आप एकदम शॉर्टकट में कहा बता देते हैं हाँ एक ही स्टेप में उड़ा देते हो पूरा किया कीजिए बोर्ड एग्जाम में कैसे करते थे वैसे करिए ठीक है तो भाई साहब ये सीटी है यहाँ बोर्ड के मेथड से करिएगा वहीं तो फंस जाइएगा ये क्वेश्चन सॉल्व करिएगा समय निकल जाएगा पेपर खत्म हो जाएगा क्वेश्चन छूट जाएगा आप जितना शॉर्ट में हो सके उतना शॉर्ट में करिए ठीक है अब यहीं पर देखो क्वेश्चन देखते ही मैंने दो स्टेप उड़ा दिए हैं हम लिख ही नहीं रहे हैं दो स्टेप सीधे उड़ा दिए समझे अब देखो यहां पर हमें बोला है पर्टिकुलर सोल्यूशन बेटा यहां पर आपको हमेशा एक्स और वाई की वैल्यू दी होगी देखो ये वाई वाई की वैल्यू जीरो ऐसे होता है देखो वाई वेन एक्स इज ये जो होता है एक्स होता है यहां पर ये यह एक्स है आपको एक्स और वाई की वैल्यू दी होगी कब जब भी आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने बोलेगा तो एक्स और वाई की वैल्यू दी होगी उसको क्यों है भाई भाई उसका काम यह है इसका काम यह है कि C की वैल्यू निकालना जो C है ना उसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है की वैल्यू कैसे निकलेगी तो जब आपका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा उसमें x और y की वैल्यू रखो तो C की वैल्यू आ जाएगी और वो यहां पर हम देख लेंगे चलो तो देखते हैं ई रेस्टू माइनस टू वाई का इंटीग्रेशन वही होगा विदेक्ट टू वाई माइनस टू वाई का डेरिवेटिव माइनस टू माइनस टू से डिवाइड देखो x या y के बदले अगर कुछ और होता है तो उसका वापस डेरिवेटिव निकाल के डिवाइड करते हैं ठीक है cos x का इंटीग्रेशन sin x इंटीग्रेशन में अगर c से स्टार्ट हो तो माइनस देते हैं जैसे एक कांस्टेंट ये आ गया आंसर ये आंसर आ गया देखो ये आ गया तो देखो sin x आया sin x आया sin x का 3 r अभी परफेक्ट आंसर क्या आएगा पता नहीं है ये कांस्टेंट को हम c1 देते हैं माइनस टू से मल्टीप्लाई कर दो सबको ई रेस्ट टू माइनस टू वाई माइनस टू यहाँ गया माइनस टू साइन एक्स माइनस टू गया माइनस टू सी जो माइनस टू सी वन है किसी भी कांस्टेंट को कितना भी बार बदल सकते हैं इसको एक नया कांस्टेंट रख देते हैं प्लस सी ठीक है अभी हमारा आंसर आ चुका है बट हम इसको ऐसे समझेंगे ई रेस्ट टू माइनस टू वाई टू माइनस टू साइन एक्स है अच्छा साइन एक्स पहले है ना तो हम ऐसे समझेंगे माइनस टू साइन एक्स इधर आया तो टू साइन एक्स

4sin x तू भी निकल 2sin x ये है मतलब ये c की वैल्यू माइनस -2 होनी तो बिना पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी हमने कर दिया पर्टिकुलर सॉल्यूशन में करके दिखाता हूँ। देखो c की वैल्यू निकालने के लिए x π/6 और y 0 रखो 2 into, देखो sin 30 sin 30 होता है 1/2 डायरेक्ट करने का e^y y कितना है 0 minus -2 into 0 0 is equal to c 2 2 कट गया 1 e^0 1 c c 2a अब यहाँ पर सी जो है टू रख देंगे टू साइन एक्स ई e रेस्ट टू माइनस टू वाई ये जो सी है वो कितना है टू टू इस तरफ आए तो माइनस टू इक्वल टू जीरो मैच करो ऑप्शन भी है तो कभी कभी क्या होता है ना पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने बोला है बट तो तो हम सी की वैल्यू नहीं भी निकालते हैं ना उसके बिना भी हमें आंसर पता चलता है क्योंकि तो यहाँ पर देखो लास्ट में टू, टू टू है मतलब सी टू आना चाहिए टू या माइनस टू वन तो में आ रहा है कि नहीं टाइम जितना बचाना है बचा सकते हो मिनाटो बेटा हेल्पलाइन पे कांटेक्ट कर कॉल कर ये लेक्चर होने के बाद कॉल कर तुझे बताएंगे बेटा हाँ ठीक है तो समझ में आ रहा है देखो जीवन लिख रहा है मैंने बुक ऑर्डर की थी अभी अभी आई है कॉन्ग्रेचुलेशन ठीक है 2025 की बैच बेटा जून से आएगी ब्रह्मास्त्र बुक ऑर्डर कैसे करना है संकेत लिख रहा है बेटा संकेत ये देखिए वेबसाइट है बार बार बता रहे डिस्क्रिप्शन में भी वेबसाइट है उस वेबसाइट पे जाके आपको ऑर्डर करना है जिसको भी ब्रह्मास्त्र बुक चाहिए मंगा सकते हैं अभी स्टॉक में कुछ बुक्स बची है ओके ले सकते हैं ठीक है ठीक है समझ में आ रहा है कैसे करना है तुम्हें रोज लेक्चर घेता है ना हाँ आमच लेक्चर दर रोज साढ़ेसाह वाजता यो यूट्यूब वित सर मैथ्स मैथ सुबहता मैं मैथ्स टू घेतो ओके फिजिक्स का क्लास है कि नहीं है सर है ना ओके सर के चैनल पे जाओ वहां पर फिजिक्स का लेक्चर होता है बेटा वहां पर पता चलेगा डेली होता है ओके ओके बच्चों तो देखो आज हमने काफी क्वेश्चन किए अभी कल भी करेंगे कुछ और क्वेश्चन करेंगे ओके okay, कल भी करेंगे कुछ और क्वेश्चन करेंगे यस माय डियर आ रहा है आपको समझ में आज हमने क्या क्या किया कि ऑर्डर एंड डिग्री देखा हमने कैसे निकाले जाते हैं दो के तेईस के क्वेश्चन देखा अभी यहाँ पर ये यह भी है पर्टिकुलर सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन हमने देखा है ना एक ये देखो 2023 में भी क्वेश्चन है एक करा दू क्या टाइम है अपने पास अरे तीन मिनट है हो जाएगा चलो ब्रह्मास्त्र बुक में पीसीएम सबके पी क्यू है क्या हाँ बेटा संयुक्ता सबके ही है

दोन हजार तेवीस चा प्रश्न आहे मुलांना बघा प्रत्येक वर्षी असा प्रश्न असतोच कॉस स्क्वेअर एक्स मायनस साईन टू एक्स बघा हा खूप सोप्पा होता हा पण पुस्तकात असा प्रश्न नाही आहे आता हा जो टर्म आहे त्याला दुसऱ्या बाजूला घेतला इक्वलच्या दुसऱ्या राईट आणि त्या साईडला घेतल्यावर ते आता प्लस होत ना ते मायनस होणार इथे काय होणार मायनस कारण हा पॉझिटिव्ह होता त्या साईडला गेल्यावर मायनस झालं या मायनस हो गया गुसरे साईड बाद एकदम ओके okay, अभी देखो ये क्या होगा ये डी है ओके okay, तो इसको यही रखो और ये dx है इसको यहाँ रखो अभी ना सबको क्या करेंगे देखो यहाँ वहां करेंगे देखो सारे गर्ल्स dx के पास एक्स वाले सब dx के पास वाई वाले सब dy के पास अभी देखो यहाँ पर वाई वाला कौन है वाई प्लस वन और वाई वाला कोई है ये वाई है तुम तो इधर आ जाओ बेटा हाँ अपॉन वाई इधर इन टू गुनाकार था भागाकार हो गया देखो ई रेस्ट टू माइनस एक्स है उस तरफ गया यहाँ पर पहले से माइनस था ई रेस टू माइनस एक्स इंटू है क्या है इंटीग्रेशन लेना और काम हो गया देखो ये वाई अपॉन वाई वन प्लस वन अपॉन वाई देखो आ गया आंसर माइनस देखो ये तो बहुत ईजी है देखो ई रेस टू एक्स आपको फंडा याद है इंटीग्रेशन का बच्चों रेस्टू e एक्स और इसके साथ अगर कोई फंक्शन है और उसके साथ उसका कोई डेरिवेटिव बैठा है तो इंटीग्रेशन क्या होता था याद आ रहा है आपको मैंने सिखाया बेटा क्या आता था, था अगर कोई फंक्शन का डेरिवेटिव बाजू में बैठा है आंसर होता है e to x into fx, जिसका डेरिवेटिव वो है ना कितने क्वेश्चन मैंने लिए थे और आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में भी इंटीग्रेशन में यूज आ रहा है है कि नहीं आ रहा है ना तो यस अभी ये क्या होगा देखो ये कॉस स्क्वायर है

दो हजार पच्चीस की ब्रह्मास्त्र बेटा आएगी आराम से जुलाई ऑगस्ट मे आएगी ऑगस्ट तक आएगी मी तुमचा बारावी पासून स्टूडेंट आहे बेटा तुला जर पुस्तक पोचली नाही परेशान होऊ नको हैराण होऊ नको तुला पैसे परत भेटतील इथून रिटर्न जाईल पैसे रिफंड होणार टेन्शन घ्यायचं नाही माझी टीम आहे ते कोणाचेही पैसे जातात नाही तुझ्याकडे जर पुस्तक नाही पोचली ना, ना आमच्या कॉन्टॅक्ट कर सर एक मिनाटो करके लडका परेशान आहे एक घंटेचे ट में लिख रहा है उसको दस दिन से बुक नहीं मिली अभी वो बेटा तू कॉल कर टीम को मैं बता रहा हूँ यहाँ पर मीना टू हाँ उसका केस देखो उसकी बुक कहाँ तक है पहुंची नहीं पहुंची उसको गाइड करो अगर उसकी बुक रिटर्न हो गई होगी ना तो उसका पैसा रिफंड करवा देना बेटा टेंशन मत ले अरे तूफ परेशान नहीं होने का रही सबकी बुक पहुंच गई किसी की नहीं पहुंचती रिटर्न होती तो हम लोग रिटर्न कर देते पैसा उसका है ना ठीक है चला हेल्पलाइन नंबर पेगा मीना टू फोन कर अभी दो मिनट के बाद चला जाऊिया जाना है क्या रियाज लिख रहा है आप हार्ड क्वेश्चन को इजी करके बनाते हो चलो अच्छी बात है ठीक है चलो देखो नागेश लिख रहा है मेरी बुक आ गई आज चलो बहुत बहुत खुशी की बात है ओके चलो जाने का भाई देखो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो यार अपने दोस्तों में बताओ और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना है कि हमारे क्रैश कोर्स के अंदर अभी एंट्री चालू है जो भी बच्चा क्रैश कोर्स में आना चाहता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या ओनली मैथ्स में भी आ सकते हैं या मुकेश सर सोविन सर के ऐप पर भी जा सकते हैं ओके okay, यहाँ पर डेली तीन घंटे के लेक्चर हो रहे हैं चार से साढ़े पाँच और आठ से साढ़े नौ डेली डेढ़ डेढ़ घंटे के दो लेक्चर हो रहे हैं एक मैथ्स टू होता है दिनेश सर यानी मैं लेता हूँ और एक लेक्चर मैथ्स वन होता है मित्र सर इतना कहीं पे भी नहीं मिलेगा और यार तू मैं ना मतलब मैं तो सच बोलता हूँ मत लो तैयारी बहुत मजबूत होनी चाहिए क्योंकि इंजीनियरिंग की फीस जो है एक एक लाख रुपए होती है डेढ़ लाख सवा लाख होती है और ये जो क्रैश कोर्स है वो सिर्फ नाइन नाइनटी नाइन का है तो थोड़े से अमाउंट के लिए ज्यादा सोचो मत अगर कोई ऐसा लग रहा है कि आ सकते हैं वो लोग इन कोर्सेस में आ जाओ मैथ्स का क्रैश कोर्स है मैथ्स का ओके okay, वैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री का सौ रुपया कम है एट नाइन्टी नाइन आप इस क्रैश कोर्स में आ जाओ आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी ओके okay, तो अभी भी बता रहा हो भाई जो लोग भी है रिस्क मत ले लो और जिसको लग रहा है यूट्यूब से मैं कर सकता हूँ और दिन भर पढ़ाई कर रहे हैं वो करते रहो यूट्यूब से उसको तो लग रहा है कि यार मेरा नहीं हो रहा है मुझे सिस्टमेटिकली करना है तो वो यहाँ करो इसके अंदर डी टेस्ट सीरीज सब कुछ है इसके अंदर ओके okay? चलो बाय बाय एवरी वन बाय बाय कल मिलते हैं पढ़ाई करके आना डिफरेंशियल इक्वेशन के 2021-22-23 के मैक्सिमम ये जो टॉपिक्स थे इनके क्वेश्चन सॉल्व करना कौन कौन से टॉपिक्स थे जो मैंने आपको अभी दिखाए थे कौन कौन से टॉपिक थे बेटा और मैं दिखा था आपको कौन से टॉपिक थे ये ऑर्डर एंड डिग्री वाले जितने हैं ढूंढ ढूंढूंढ के करना डिफरेंशियल इक्वेशन ऑप्टेन करने वाले जनरल सोल्यूशन पर्टिकुलर सोल्यूशन ठीक है कल और भी कुछ इसमें से क्वेश्चन करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे जितना भी प्रैक्टिस करोगे कम है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है ओके टॉपर्स प्लस बैच बेटा टॉपर्स प्लस क्रैश कोर्स से भी अच्छा अपग्रेडेड है टॉपर्स प्लस लिया तो और अच्छा चलो हाँ बाय बाय एवरी बाय बाय टेक केयर